हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे कांवरियों की सेवा करने के लिए हर कोई आतुर है। बीते दिन कटघर थाना पुलिस और डिप्टी एसपी डॉक्टर अनूप कुमार सिंह कटघर थाना क्षेत्र और गल शहीद थाना क्षेत्र रोडवेज के पास कांवरियों को फल और पानी की बोतल वितरित की। इस दौरान डिप्टी एसपी अनूप कुमार सिंह ने कांवरियों को भंडारा भी खिलाया। उत्तर प्रदेश पुलिस इस बार कांवर यात्रा के लिए बेहतर इंतजाम करने के साथ ही कांवरियों के स्वागत में हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही है और फल और पानी खाने पीने का सामान वितरित कर रही है। इसी के चलते जनपद मुरादाबाद में भी पुलिस के अधिकारियों द्वारा कांवरियों पर फूल वर्षा की जा रही है। दूसरी ओर मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के डिप्टी एसपी डॉक्टर अनूप कुमार सिंह द्वारा शिव भक्तों को फल और पानी की बोतल वितरित की जा रही है। इस दौरान डिप्टी एसपी डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने कांवरियों को भंडारे का प्रसाद भी खिलाया। बताते चले कि लगातार मुरादाबाद पुलिस द्वारा कांवरियों की सेवा की जा रही है और कांवरियों के लिए अच्छी व्यवस्था भी की गई है। शिव भक्तों को कहीं कोई परेशानी दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए मुरादाबाद पुलिस प्रशासन पहले से ही चाक चौबंद है और सभी चीजों पर नजर बनाए हुए है। मुरादाबाद के एसएसपी और डीएम भी लगातार देर रात तक कांवर मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं और कांवरियों से बातचीत कर रहे हैं। इस क्रम में मुरादाबाद पुलिस द्वारा सड़कों पर कांवरियों के लिए कैंप भी लगाए गए ताकि किसी कांवरिये को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ ही कटघर थाना क्षेत्र के डिप्टी एसपी डॉक्टर अनूप कुमार सिंह दोनों थाना क्षेत्रों से गुजरने वाले कांवरियों की लगातार सेवा और वार्तालाप कर रहे हैं। गौरतलब है कि देर रात तक डिप्टी एसपी डॉक्टर अनूप कुमार सिंह द्वारा विभिन्न मंदिरों का भी निरीक्षण किया जा रहा है।